पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपको बताते चलें कि वैश्विक महामारी के लिए सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने विभागों के माध्यम से उन पीड़ित वर्ग और उन आमजन, उन प्रवासी मजदूरों की लगातार मदद की जो ज़रूरतमंद थे, जो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन आज भी जिस तरह से लोगों का रोजगार छिन गया है, लोग घर में दाना पानी के लिए मोहताज हो गए हैं, लेकिन वही सामाजिक संस्थाएं, कई संगठन, कई राजनीतिक दल, कई समाज सेवियों ने उन आम जन की मदद की जो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में पीड़ित और परेशान थे। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। आज आपको लेकर आए हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद प्रकाश शुक्ला जी के पास, जिनसे जानते हैं कि जैसा कि आपको बता दें कि हम एक मुहिम भी चला रहे हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों ने उन वर्ग की मदद की, शायद जो दुआ, जो आशीर्वाद उस वर्ग के माध्यम से, या जो मददगार, जिन जो मददगार थे इस संगठन के द्वारा, जिन्हें मदद मिली, उन मदद को पाके जो आशीर्वाद इस संगठन के अध्यक्ष या संगठन के पदाधिकारियों को मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा। आज हमारे साथ खास बातचीत में हिंदू वेद प्रकाश शुक्ला हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा वाहिनी के, इन्हीं से जानते हैं कि कोरोना काल वैश्विक महामारी के प्रकोप को किस प्रकार से देखते हैं, और लगातार आमजन की जिस तरह से इनका संगठन मदद कर रहा है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। वेद जी, स्वागत है आपका हमारे। देखिए, एक सामाजिक संस्था होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता है। मैं हिंदू देव प्रकाश शुक्ला, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा वाहिनी से, हमारे परिवार में करीब 70 लाख लोग हैं, और हम लोगों ने हमेशा से ही केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए थे, हमने उनकी जिस तरीके से तन मन धन से कहीं किसी को खाने की सामग्री उपलब्ध कराना, आप लोग देखते होंगे लखनऊ में, और कहीं उनकी बसों की व्यवस्था करा के गाड़ियों से भेजना, गुजरात से 40,000 लोगों को हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश मंगाए हैं, उत्तर प्रदेश से 10-12 हज़ार लोगों को हमने बिहार भेजा है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अन्य कई मंत्री हैं, उनके माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से उन लोगों को भेजा गया। लेकिन तकलीफ होती है इस जगह पर, जैसे मौलाना साध ने जी, जिस व्यक्ति ने कोरोना जैसी भयंकर महामारी से पूरे भारत के देशवासियों को, समस्त मानव समाज को प्रताड़ित करने का कार्य किया, जिसने महामारी फैला दी, उसे सरकार ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया। और कल एक घटना महाराष्ट्र में हो जाती है, आप लोग देखे भी होंगे, कंगना जी के साथ में, उसका 24 घंटे में घर गिरा दिया जाता है। तो ये बहुत हमारे यहाँ सनातन धर्म की हत्या ही नहीं, कानून की भी हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे लोगों को हमारा मानना है, और हमारा संगठन निरंतर मांग करता चला आया है कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, नहीं तो सीधा जनता के हवाले कर देना चाहिए, जनता अपने आप से उनका परिणाम दे देगी। दूसरी चीज़ है, अभी आपके लॉकडाउन के पीरियड में ही महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या हुई, जिस पर भी हमने विरोध किया, पालघर में साधु संतों की हत्या हुई, उस पर भी मैंने विरोध किया। विरोध करने के बाद में हमने ये जो आप देख रहे हैं रथ यात्रा का, हमने नारा दिया कि जैसे आखिरकार हमने एक नारा दिया था कि हमारे भारत में, शायद आप लोग मीडिया से हैं, आपको जानकारी होगी, 7,12,686 गुरुकुल रहे हमारे पूरे भारत में। आज की डेट में हमारे भारत में महज 157 गुरुकुल हैं, जिसमें 3 गुरुकुल हमारे संगठन के हैं। 157 में 57 चल रहे हैं, 100 वो भी बंद हो चले हैं। 7,12,786 गुरुकुलों में महज हमारे 57 गुरुकुल बचे हुए हैं। अच्छा, ये जो गुरुकुल जो रहे, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, गुरुकुल की जो शिक्षा दीक्षा होती है वो काफी सस्ती भी होती है, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, और आपने बताया जिस तरह से जो गुरुकुल की संख्या, आखिर बंद होने का क्या बड़ा कारण रहा, और किस तरह से आप लोगों ने ये जो मुहिम चलाई है, गुरुकुल बनवा रहे हैं आप लोग, कई तरह से गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, किस तरह का सपोर्ट सहयोग सरकार से चाहते हैं, और क्यों, आखिर क्यों गुरुकुल बंद हुए, ये बताएं। देखिए, गुरुकुल बंद होने का मेन कारण है, जो हमारे यहाँ की सरकारें रहीं, इन्होंने कभी गुरुकुल पर सनातन धर्म के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रहे हों, किसी भी राजनीतिक दल ने गुरुकुल के लिए प्रोत्साहन नहीं किया। और सबसे बड़ी कमी है हमारे साधु संतों की,
सनातन धर्म वासियों की, जो अपने बच्चों को गुरुकुल न भेज करके सरस्वती शिशु मंदिर हुआ करते थे, आप लोग देखे होंगे, वो भी बंद हो गए। लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं और इंग्लिश मीडियम के पहनावे से आप लोग देखिएगा कि इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी में पूरा देश तबाह हुआ। उसके बाद में लोगों ने शंख और थाली घंटा ये सब बजाया, सनातन धर्म को हर व्यक्ति ने माना, स्वीकार किया कि एक ही धर्म है सनातन धर्म। इस्लाम कोई धर्म नहीं, इस्लाम एक संगठन है, महज 570 साल पुराना धर्म, जिसमें हमारे यहाँ के कुछ कथावाचक हैं बेधर्म टाइप के लोग, जैसे मुरारी बापू हो गए, इस तरीके के 4-5 कथावाचक अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लगे मंचों से जा करके, इन्हीं जैसों की वजह से आज हमारे गुरुकुल बंद हुए। और लॉकडाउन के बाद में लोगों को लगा, और हमारा मानना है मेरे 3 गुरुकुल बन रहे हैं ऑलरेडी, 3 गुरुकुल हमारे बन रहे हैं, और हम जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, हिंदूवादी जितने संस्था हैं, संगठन हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग साथ में एक एक गुरुकुल अगर बना डालते तो हम शस्त्र और शास्त्र तीनों की शिक्षा अगर दिला देंगे तो इन जिहादियों की किसी की हैसियत नहीं होगी कि हमारे बहन बेटियों की इज्जत के आबरू के साथ खेले। हम इनको इनकी भाषा में जवाब देंगे। अच्छा, ये बताइए आखिर इतना गुस्सा, इतना आक्रोश क्यों इस वर्ग से, इतना क्यों? देखिए एक चीज बताइए, हम लोगों ने हमेशा नारा दिया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। क्या किसी मुसलमान ने आज तक नारा दिया है मुस्लिम हिंदू भाई भाई का? कब तक हम लोग नारा देते रहे? अभी देखिए कोरोना काल में देख लीजिए आप, लखनऊ में देख लीजिए, एनआरसी का ये लोग विरोध किए, कहाँ कहाँ इकट्ठा रहे, भारत जला दिए, ट्रेन ने जला दिए, कई साधु संतों को फूंक दिए, उनको जिंदा जला दिए। और आक्रोश हमारा इसलिए, अभी हरियाणा एक ठाकुर साहब रहे, मैं अभी 35 साल हुआ है, उन्होंने एक मुसलमान परिवार को रहने के लिए अपने पड़ती में, जैसे पड़ती होती थी जिम्मेदार थे, रहने के लिए दे दिया। आज की डेट में उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों ने 142 गांवों से हिंदू को काट डाला, और किसी की कोई FIR नहीं लिखेगी। 142 गांव, जिसे नाम दे दिएगा मेवात हरियाणा का, लॉकडाउन में 105 गांव रहे, इस समय 142 गांव हो चुके हैं जो हिंदू विहीन हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप, प्रतिदिन 20-30 मंदिर तोड़े जाते हैं पश्चिम बंगाल। आखिरकार क्यों? हम लोगों ने कभी मस्जिद नहीं तोड़ी। एक मस्जिद का नाम तोड़ी गई थी अयोध्या में, भगवान राम जी की जहाँ जन्मस्थली रही उस पर भी वाला हो, लेकिन सच सामने आ गया। इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है, वो एक संगठन है, और वो ऐसा संगठन है जो उनके लिए हम लोग काफिर हैं। अच्छा, उनके कहने का मतलब यही है कि काफिरों को अच्छा मकान, अच्छी वस्तु, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान रखने का अधिकार नहीं है। वो केवल नाम से काटते हैं। जहाँ पे यादव ज़्यादा हैं वहाँ हिंदुओं को आपस में काटते हैं, यादवों के नाम पर यादवों को काट डालते हैं। जहाँ ब्राह्मण ज़्यादा हैं उनका नाम दे करके काटते हैं। हमारे हिंदुओं में एक कमजोरी है, कोई यादव है, कोई कुम्हार है, कोई जाट है, कोई लोहार है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, ये आपस में बटे हैं, इसीलिए इनको आपस में जगह जगह काटा। जिस दिन हिंदू एक साथ कटने मरने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई किसी की हैसियत नहीं रोक ले। दूसरा एक कार्य करना चाहिए हर हिंदू को। तो क्या लगता है, भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है? नहीं, अभी तो हिंदुस्तान बोलते हैं भारत को? नहीं, हिंदुस्तान बोला जाता है जी। काहे का हिंदुस्तान जी। हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं जो भारत माँ को कह दे डायन जी। वो भी हमारे भारत में जिंदा है। भारत माँ को जो डायन कह दे उसके ऊपर कोई कानून नहीं जी। तिरंगा जलाया जाए कोई कानून से कोई सजा नहीं। तो केवल आज़ादी हिंदुओं के ऊपर सारे कानून है, इन जिहादियों के ऊपर कोई कानून अभी तक नहीं बना है। आप लोग देखते होंगे 90% बलात्कार ये जिहादी करते हैं, यही आतंकवादी करते हैं। जो सत्ता के नेता होते हैं आजकल वो भी करते हैं, जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आते हैं उनके कार्यकर्ता भी करते हैं, उनके विधायक भी करते हैं, उनके मंत्री भी करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, अभी तक तो आपको ये नई खबर में आएगी किसी विधायक ने बलात्कार किया? शायद आपको पता नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर की आप बात बोल रहे होंगे, तो कुलदीप सिंह सेंगर जी सपा के विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी में थे। नहीं, जब उन्होंने किया? ना, वो जब किए हाँ, पार्टी ने इनको बर्खास्त किया। सपा नहीं, सपा में थे योगी जी ने इनको बर्खास्त किया था काफी। हाँ, सपा में थे, सपा के शासन पहले किसी में भी हो, बीजेपी में, लेकिन भाजपा में जब उनका परिणाम बीजेपी के विधायक थे वो
उनको जो सजा मिली है वो भाजपा के सरकार में ही मिली है। बीजेपी के विधायक थे वो, भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए थे, जो इन्होंने घिनौना कृत्य किया और सपा की सरकार में किया, पहले बाद में बीजेपी, जैसे ही बीजेपी में आए उसके बाद से घटना हुई थी। शायद आपको जानकारी न हो, विधिवत तरीके से आप पता कर लीजिएगा। कुलदीप सिंह सेंगर जी ने आखिर ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पार्टी में क्यों लेती है ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां? देखिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, राजनीतिक से मैं दूर रहता, लेकिन खैर गलत किया, लेकिन उनको सजा दी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अब वो आज जेल में भी है उनका सब कुछ। ये सवाल तो राजनीतिक हो गया, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि जो देश को आजादी दिलाने की भूमिका रही, क्या सिर्फ हिंदू की रही और किसी समुदाय की नहीं रही? देखिए हिंदुओं ने हमेशा बलिदानी दी है, और किसी ने केवल सनातन धर्म मोक्ष नहीं। ये जो मुसलमान हैं ये भविष्य के पूर्व के कायर हिंदू ही रहे हैं, जिनका नाम है अली, उनके बाबा का नाम मोहम्मद अली होगा, लेकिन इनके परदादा का नाम कहीं रामलाल जी भी रहा होगा। ये कोई हिंदू नहीं है, ये सब हमारे भाई ही थे, ये भटके हुए हैं। जब से इस्लाम एक इतना गहरा संगठन है सनातन धर्मवासियों के लिए, केवल सनातन धर्म को काटने के लिए ही तैयार हैं, इनके प्रत्येक मस्जिद और मदरसे में बम ब्लास्ट। आखिरकार क्यों मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है, क्यों इनका धर्म क्यों नहीं? देवबंद, जिसे पूरा विश्व जानता है कि देवबंद से ही आतंकवादी जन्म लेता, क्यों देवबंद पर क्यों नहीं बैन किया जाता? हमारा मानना है देवबंद पर बैन किया जाए। आज तक आप लोगों ने क्या सुना है कभी किसी गुरुकुल से कोई आतंकवादी जन्म लिया है? गुरुकुल में भगवान राम गुरुकुल की शिक्षा लिए। तो हमारे यहाँ के साधु संतों की कमी है, हमने साधु जन जागरण रथ यात्रा का नाम दिया है, पूरे भारत में राष्ट्रीय युवावाहिनी परिवार के द्वारा साधु जन जागरण के माध्यम से समस्त खोए हुए साधु समाज के लोगों को जगाया जाएगा, और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हमारी मांग है सरकार से कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर गुरुकुल का निर्माण कराया जाए कम शिक्षा में। अपने सनातन धर्म को जब पहचानोगे तभी अपने बारे में कुछ बोल सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं जो इस ये महंगाई का दौर है, जो आज की शिक्षा दीक्षा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इस तरह की हो गई, गुरुकुल की शिक्षा से कहीं ना कहीं युवक युवतियों का जो जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और जो जो संस्कार है वो भी आएंगे। देखिए गुरुकुल की शिक्षा है उससे संस्कार बिल्कुल बढ़ेंगे। आज की डेट में गुरुकुलों में कभी बच्चियों को डांस नहीं कराया जाता था, आज की डेट में बच्चियों को विद्यालयों में डांस सिखाया जाता है, जैसे पहले यहाँ वैश्य नाचने आती वो काम इंग्लिश विद्यालयों में हो रहा है। विदेशी परंपरा हम लोग अपने यहाँ चालू कर लिए और विदेशी हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को स्वीकार करने लगे, तो ये गलत है। जब गुरुकुल का जो बच्चा पढ़ा होगा उसके अंदर संस्कार होंगे, वह देशभक्त होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, और जब तक गुरुकुल रहे तब तक हमारे देश में अमन और चैन की शांति रही। आप देख लीजिए अभी गुरुकुल का पढ़ा एक व्यक्ति आपका मिसाइल मैन भी हुआ अब्दुल कलाम जी, जो लोग रहे हैं वो मानते भी थे कि हमारे परदादा हिंदू ही थे, रामलाल जी थे जी। तो इनकी यही जीवनी है। आखिरी सवाल यही है कि आखिर संगठन क्या चाहता है, आपका जो राष्ट्रीय युवा वाहिनी है आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, जिस तरह से आपने बताया कि अभी हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही प्रमुख एजेंडा है? देखिए हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि देवबंद को बंद किया जाए, इनकी समस्त मस्जिदें और मदरसों को बंद किया जाए, और पुनः इनके जैसे 10 लाख मदरसे हैं, 15 लाख मस्जिदें हैं, या तो सरकार हमें 10 लाख गुरुकुल और 15 लाख सरस्वती विद्यालय, 25 लाख हो गए, जब इनको शुरू कर दे तब तक इनके ऊपर बैन लग जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदू वेद प्रकाश शुक्ला, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से इनकी राष्ट्रीय युवा वाहिनी कार्य कर रही है, और लॉकडाउन में किए गए कार्य, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो नीति और उद्देश्य इनके संगठन के थे वो क्या थे। इस खास बातचीत में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ, किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।